संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र सदग्रंथ देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया, चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए इन 5-7 पंक्तियों ने। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कर दिया कि केवल ये वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही ये फल दे सकते हैं। आपके प्रारब्ध में ये परिवर्तन नहीं कर सकते, ये नियमित काम ही कर सकते हैं। निमित में आपके भाग्य में जो लिखा वो आपको देते रहेंगे। दुख है तो दुख भी और सुख है तो सुख भी, ये दोनों ही देंगे। केवल पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव वो परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध के पाप कर्म के कष्ट को नाश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसलिए ब्रह्म तक की साधना करने वाले के भी जो के त्यों कर्म ही रहते हैं, जैसे करेगा वैसे ही भरेगा। अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे उपासक ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे हैं और ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लिप्त हैं, मेरे से मिलने वाले लाभ में ही लिप्त हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, इनके पुजारी ऑटोमेटिकली वहाँ से उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, अंडरस्टूड है, सब सिद्ध है। और ब्रह्म खुद कह रहा है कि मेरे और तेरे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता और ये सिद्ध नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि सब इसी की संतान हैं, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म के जन्म को नहीं बता सकते। ब्रह्म का जन्म परम अक्षर ब्रह्म से हुआ है, अविनाशी परमात्मा सत्यपुरुष से हुआ, वो सत्यपुरुष कबीर देव ही है। वो कबीर देव जो काशी में जुलाह बनकर आए थे, लीला कर की थी, वो ही उन्होंने आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है, इसकी जन्म बताया है। तो ये ब्रह्म भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल ब्रह्म, अर्जुन तेरे और मेरे पहले भी बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तो ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। इसे सिद्ध है कि ये भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है, उसको कोई मारने वाला नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन भगवान बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और इनके प्राणी ये तो नाशवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। और 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय के में गीता जी में, कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जिसको भगवान कहा जा, परमात्मा कहते हैं। ये लोक तरमाविश्य विभर्ति अवे ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अवे ईश्वर है, वो है अविनाशी परमात्मा, यानी वो गीता ज्ञानदाता से कोई और है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं, और ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है,
और इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट कर तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। लेकिन ब्रह्म तक की प्राप्ति करने वाले, ब्रह्म साधना करने वाले भी नाशवान है, क्योंकि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन ये ब्रह्म लोक पर्यंत सभी वहां लोक पुनर्वर्ती में है, कि वहां गए हुए प्राणी भी ब्रह्म की साधना करना ओम मंत्र है करने का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, ये अब ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में इन ब्रह्म साधकों को अनुतम क्यों कहा। एक चुणक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा, जिन्होंने वेदों से पता चला कि ओम नाम का जाप इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं, किसी और आन उपासना नहीं करनी, अन्य देवताओं की पूजा करने से मोक्ष नहीं है। इस आधार से इन्होंने जैसा भी वेदों को समझा और जैसा गुरुजनों ने बताया, ओम नाम का जाप और हठ योग ये ब्रह्मा से सुना कि आकाशवाणी थी भगवान की, लेकिन वो आकाशवाणी परमात्मा परमेश्वर की नहीं थी, ये काल की थी। ज्ञानी आत्मा चुणक ऋषि ने परमात्मा पाने के लिए अपना समर्पण कर दिया, शरीर को शरीर भी समाप्त हो जाए नो प्रॉब्लम, इस उद्देश्य से बैठ के ओम नाम का जाप करते करते। अब कोई भी मंत्र है उसका नाम यदि आप आंखें बंद करके ओम किसी भी मंत्र का जाप करते हुए करते हो, तो उस मंत्र का जाप जो करते हो उस मंत्र के जाप से जो बेनिफिट होना है वो उस मंत्र के जाप से आपका अलग लिखा जाएगा, मंत्र के जाप की कमाई। और जो आप बैठे हो उससे आपका तप बन जाता है, और तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब ये ऋषि लोग ओम नाम का जाप करते करते फिर ओम नाम का जाप ते भूल भाल जाते हैं, फिर अंदर के टेलीविजन शुरू हो जाते हैं इनके, अंदर टेलीविजन की तरह है जगह जगह, यानी हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, एक मूल कमल है, फिर एक स्वाद कमल है, फिर नाभि कमल है, फिर हृदय कमल है, फिर कंठ कमल है, फिर यहाँ एक पीछे इसके इनके पीछे यहाँ एक त्रिकुटी कमल है, और यहाँ फिर बिल्कुल बैक में ये जो लास्ट इधर यहाँ एक संसार कमल है। तो जिस भी साधक की पूर्व जन्म की कुछ संस्कार हैं उसकी जल्दी समाधि लग जाती है, समाधिस्थ हो जाता है। और वो समाधिस्थ कैसे होता है, जैसे किसी कमल का कमल उसका कोई खिल गया, फिर पूर्व संस्कार से हठ योग से अभ्यास से अंतर्मुखी होने के अभ्यास से भी कोई ना कोई अंदर का कोई झलक उसको दिखने लग जाती है। तो ऊपर प्रत्येक कमल में जैसे अपने टेलीविजनों के अंदर जैसे चैनल होते हैं, जो भी चैनल आपके रिमोट ने ऑन कर दिया वो चैनल ऑन हो गया, उस पर जो भी खेल नाच गाने एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है वो विजिबल हो जाएंगी। इसी प्रकार ये हठ योग करने वाले जो साधक थे ये इसीलिए काफ़ी वर्षों तक बैठे रहा करते थे, उनके अंदर के टेलीविज़न ऑन हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो गया, कोई कमल का रास्ता खुल गया तो उसमें वो पहुंच जाती थी उनकी आत्मा, और फिर वहाँ देखा कि तो डांस हो रहे हैं, कि तो कोई तमाशा हो रहा है, कि तो झरने बह रहे हैं, कि तो फलदार वृक्ष हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो वहाँ वो डांस वगैरह देखते रहते बैठ जैसे सौपन होते हैं। तो इस प्रकार वो देखते रहते और उनका हजारों वर्ष काफ़ी वर्षों का समय व्यतीत हो जाता, और वहाँ बैठे रहने से उनका तप बन जाता, और तप से राज्य प्राप्त होता है, तप से राज्य होता है, और कुछ मंत्रों से जैसे जो वेदों के ज्ञाता है वो कुछ मंत्र भी याद होते हैं उनके, तो वो सारा कुछ ही प्रयोग करते रहते हैं, ओम नाम का जाप भी करते रहते हैं।
जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन अज्ञानियों ने, वो कैसे होता, बोलते थे ओम भूर भव सव तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये इस तरह के मंत्र भी ये घोट रहे थे, ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये श्रेष्ठ, ये ठीक नहीं है। ये मंत्र तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके आगे ओम अक्षर नहीं लगाना चाहिए, ये परमात्मा की इंसल्ट है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का ये मंत्र नंबर 3 है। और इसी प्रकार की वेद में तो हजारों मंत्र हैं, एक मंत्र को बार बार रिपीट करने से क्या होता है, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और बहुत ज़्यादा काफ़ी समय तक साधना करने से, कुछ विशेष उद्देश्य रख कर इनके बार बार जाप करने से, कुछ मंत्र ऐसे हैं वेदों के, उनसे सिद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि जी ने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके और साथ में इन मंत्रों का जाप करके वेद का, सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी जाता था, कति पृथ्वी पर समुद्र नहीं रहते थे, खाली खड्डे हो जाते थे, गड्ढे हो जाते थे, और फिर उसने वापस कुरला कर देता था, सातों के सातों भर जाते थे, लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस प्रकार स्तनोक ऋषि ने ऐसे ही ओम नाम का जाप करते करते, फिर हठ योग याद आ गया, मंत्र छूट जाता जब आदमी समाधिस्थ हो जाता, मंत्र नहीं रहता उसके पास। तो ऐसे काफी वर्षों तक ऐसा जाजुल तप किया, उसमें सिद्धियां आ गई, इतनी जबरदस्त सिद्धियां आ गई कि वो चाहे तो पूरी पृथ्वी का नाश कर दे एक वचन में। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिए, ये परमाणु बम पूरे पृथ्वी का नाश कर सकते हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर आगे से आगे चलते रहते हैं। लेकिन आबाद होने की क्रियाएं इनके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसी प्रकार उस ऋषि ने अपनी उस सिद्धि शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से ये एटम बम बना लिए। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासक था, और उसने सोचा कि कोई तेरे शासन काल में तेरी प्राधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता है, यानी ट्राई करके देख लूँ। तो उसने क्या किया, मानधाता चक्रवर्ती राजा ने एक घोड़ा, अपने वाला घोड़ा, उसके घोड़े में एक पंपलेट टांग दिया गले में, कि भी जिसने राजा की प्राधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ कर बांध ले, राजा के पास बेहतर सोनी सेना है, बेहतर करोड़, और युद्ध करने के लिए तैयार हो जावे। वो घोड़ा सब जगह घूमया। अब चुनक ऋषि ने पूछा उन घोड़े के साथ जो और भी सवार थे उनसे कि भी क्या बात है, घुड़सवार थे, घोड़ों पर सवार थे, घोड़ा खाली था जिसके गले में ओनली पंपलेट था। तो घुड़सवारों से पूछा, सैनिकों से पूछा चुनक ऋषि ने कि भी कहाँ घूम रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसे क्यों घूम रहे, सारी कहानी पूछी। तो उन घुड़सवारों ने बताई सैनिकों ने कि ऋषि जी ऐसे ऐसे हम मानदाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं, और राजा ने पूरे विश्व में ये घोड़ा घुमा दिया और किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं। पता लगा ऋषि ने सारी कहानी का। अब उस ऋषि ने सोचा भी राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करूं, कहने लगा भी इस घोड़े को मैं पकड़ लूं, मैं पकड़ लेता हूं। तो सैनिक कहने लगे रे कंगाल, ओ कंगले, तेरे दाने खाने नहीं, अरे तू युद्ध करेगा क्यों, तेरी सियात बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आई है, अपना टाइम पास कर ले भक्ति बैठ कर चुप करके। तो ऋषि कहने लगे अभी मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया, तेरे तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। कहने का भाव यह है कि राजा को पता चला, उसने गुस्सा आया कि भाई एक आदमी ने इतनी हिम्मत कर दी, कल ने दूसरा करेगा, कभी शर उठाएंगे ऐसे। तो एक आदमी को मारने के लिए
18 करोड़ सेना यानी 72